अजीब सा के सारे व्यूअर्स को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों आज मैं रानीबाग मार्केट आया हुआ हूँ जो कि दिल्ली में ही है, और आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ कोई है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि साकिब मेरे साथ में होगा, तो बता दो कि साकिब मेरे साथ में नहीं है। ये देखो कौन है मेरे साथ भाई, इधर मुंह घुमाने के लिए बोलो, मास्क नीचे कर लो। हाय एवरीवन, अब थोड़ा सा इंट्रो देंगे आप अपना। गाइस मैं हूँ क्रिश की फ्रेंड और मैं इसको लेकर आई हूँ आज रानीबाग मार्केट में, जो कि SFB कॉर्नर। ये बहुत बढ़िया बेकरी स्टोर है, यहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ ईटरी थिंग्स मिलेंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ। सी कितना कुछ यहाँ पर है, यम यम सा। आज हम इस पे शूट करने वाले हैं, ओवर टू यू क्रिश। भाई देखो, अब हमें शिखा जी ने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे और होममेड टाइप है, मतलब यहाँ पे इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है शॉप की। और तो मैंने कहा यार देखो, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मुझे बहुत जगहों के पसंद नहीं आते, तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई आपको चलना चाहिए और देखना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जब इतने आप प्यार से बोल रहे हो तो चलो एक बारी चल के देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसीलिए आज हम आए हैं रानीबाग मार्केट, और ये जो बेकरी का शॉप है क्या नाम बताया था, SFB, और ये है कहाँ पे? ये आप जैसे ही रानीबाग मार्केट आएंगे, ये संत नगर चौक की साइड से भी पड़ता है और रानीबाग मार्केट के बिल्कुल गोल चक्कर के पास है, तो आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। और अपनी ईटिंग टाइम के लिए, मॉर्निंग टाइम के लिए, इवनिंग टाइम के लिए केक्स, कुकीज़, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। आओ देखना शुरू करते हैं कि शॉप पे है क्या क्या। चलो क्रिश चलते हैं। सो गाइज, अभी मैं हूँ SFB बेकरी में, तो अभी मैं आपकी बात कराने वाली हूँ यहाँ के यूनिक से भैया से, जो कि हम स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि है। ऋषि जी, आप मुझे ये बताओ कि SFB बेकरी कितनी पुरानी है? यहाँ पे हमारी दुकान 6 साल पुरानी है। अमेजिंग। और आपके बेकरी स्टोर में क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या यूनिक आइटम्स है? मैं तो यहाँ से सामान लेती रहती हूँ अपने घर के लिए, अपनी मॉम के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, लेकिन आप मेरे व्यूअर्स को बताओ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। हमारे यहाँ केक्स, कुकीज़, नमकीन्स एंड स्पेशल गिफ्ट पैक भी होते हैं हर ओकेजन के हिसाब से। वाओ, कुकीज़ गाइस, यम केक्स, अनदर यम पेस्ट्रीज। जो कि आप मुझे देख रहे हो, मेरी हेल्थ के मुताबिक मुझे तो सब चीज़ पसंद है। मुझे यहाँ की नमकीन पसंद है, मुझे यहाँ के रस पसंद है, मुझे यहाँ की कुकीज पसंद है। शिखा खाती पीती रहती है। यस, तो इनको ज्यादा पता है इसलिए लेके आई मैं यहाँ का, मतलब इनकी कोई चीज कसम कुछ नहीं छोड़ा, सारी चीजें खाती हूँ, सब खाती हूँ। अभी भैया बताएंगे कि इनके इधर और क्या क्या मिलता है। हमारे यहाँ दिवाली के हिसाब से स्पेशल गिफ्ट पैक होते हैं हर ओकेजन के हिसाब से, ड्राई केक हैं और कुकीज़ है, नमकीन है, बिस्किट्स है, मतलब अब तो हमने नई नई चीज़ें भी स्टार्ट कर दी है, पैटीज़ में भी बहुत सारी वैरायटी कर दी है, बर्गर है, बंद है और पिज़्ज़ा बेस वगैरह सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर क्या होम डिलीवरी भी करते हो आप? हाँ जी, आसपास लोकल एरिया हो तो डिलीवरी कर देते हैं, बाकी हमने और भी डिलीवरी का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, जैसे जोमेटो, स्विगी वगैरह का सिस्टम स्टार्ट होने वाला चला जाता है। हाँ जी, होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, अभी होने वाला है। हाँ जी, चल रहा है। हाँ जी, तो अगर किसी को जैसे कि शादियों में कुछ गिफ्ट आइटम्स होते हैं ना, हाँ जी, स्पेशल गिफ्ट पैक बनाते हैं भैया, हाँ जी, बट जैसे विदाई विदाई में, हाँ जी, भाजी का डब्बा बन जाता है भैया, विदाई में भी सब जगह के लिए, इवन बर्थडेज हो, मतलब करवा चौथ हो, इधर सब चीज़ की गिफ्ट पैकिंग होती है और बहुत बढ़िया सी होती है। अभी आपको वो भी दिखाते हैं कि क्या क्या होता है, साथ साथ मैं भी बताऊंगी। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे ये कॉम्बोज है गिफ्ट पैक, ये देखिए इस तरह से गिफ्ट पैक होते हैं, आप किसी को भी देंगे, इसमें कुकीज़ एंड नमकीन एंड बिस्किट्स होते हैं, आप किसी को भी देंगे, बहुत अच्छा होता है इसमें। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, आप जरा एक बारी बताओ। इसमें जैसे हमने ये 4 टाइप्स ऑफ बिस्किट्स का पैक होता है, इसमें हमने 2 बिस्किट्स एंड 2 नमकीन्स डाली हुई है एंड 1 ड्राई केक्स है। ओके, एंड इसका गिफ्ट पैक है, आप किसी को भी देंगे, बहुत अच्छा लगने वाला है। प्राइस इसका मिनिमम 500 से स्टार्टिंग होके लगभग 700-600 इस तरह से आ जाता है, और आपको बड़े में चाहिए तो बड़े में भी हमारे पास और भी बहुत सारी वैरायटी है, ये 700 से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी, और 800-900। सी गाइस, आप देख सकते हो कि नॉट इवन ऑन दिवाली, ऑन करवा चौथ, इवन ऑन बर्थडेज, यू नो, हम किसी के घर जा रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, कृष्ण के घर आ रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो बस ये गिफ्ट तो एक बनता ही है ना,
ठीक है ना। सो प्लीज़ गाइज डू लाइक इट एंड सी। अभी भैया अभी हमें और भी चीज़ें बता रहे हैं, अभी हम जा नहीं रहे हैं यहाँ से, अभी हम चलते हैं। भैया अभी हमें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं गिफ्ट आइटम्स में, यम यम सी। तो आओ भैया हमें बताना स्टार्ट करो आपके आपके बेकरी स्टोर पर और हमें क्या क्या मिलेगा। हमारी एक तो ये स्पेशल शाही केक होता है, इसमें अंदर बटर स्कॉच फ्लेवर में होता है, अंदर से पूरा ही नट्स होते हैं, इसमें काजू होगा, बादाम होंगे, किशमिश होगी, बहुत अच्छी चीज़। मतलब 500 ग्राम्स का पैक है और मिनिमम सा प्राइस है 280 रुपीज़। ओनली 280 रुपीज़? हाँ जी, गाइस 280 रुपीज़। सी MRP इज 320 बट ये हमें यहाँ मिलेगा 280 रुपीज़ का। सो दैट टू पैक्ड हाइजीनिकली एंड सी इट्स अ यम, a treat to buy, a treat to eat and a treat to love, yay। and हमारी ये बेक स्पेशलिटी हमारी शॉप की बेक भुजिया, ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। मार्केट में आपको तेल वाली वो फ्राइड वाली मिलेगी, चाशनी वाली, लेकिन हमारे पास ये हमारी स्पेशलिटी है कि हमारी ये बेक भुजिया होती है, इसके अंदर ना ही चाशनी होगी। होली स्पेशल है भैया, और हमारे पास होली के हिसाब से स्पेशल गिफ्ट पैक भी आएंगे भुजिया के, और भी नमकीने होती है, उन सब चीज़ों के गिफ्ट पैक होते हैं। सी गाइस ये है SFB बेकरी स्टोर की बेक्ड क्रिस्पी सी गुजिया, जो कि होली तो गुजिया के बिना यू नो कुछ टेस्ट नहीं है। मुझे तो गुजिया जितनी मर्जी खिला दो, तो आप बताओ आपको कितनी खिला दो, 2, 3, 4, 5 सब हमने SFB बेकरी से। देखो मेरी बात करो, मैं तो खाता रहता हूँ, छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं तो इतनी खा जाता हूँ कि बस कम ही बढ़ जाता। भैया आप खाते हो? हाँ जी बिल्कुल खाते हैं जी। थैंक यू। कितने का बताया आपने ये अपने प्राइस में? 600 kg है, 300 ग्राम्स का बॉक्स है, 180 का। 180 का, वाओ, 180 का बॉक्स। तो गाइस अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की ना, तो एक सेकंड माइक मैं लेना चाहता हूं। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस जेन्युइनली यहां पे बहुत कम लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने और बेकरीज के खाए हैं देखें, तो मुझे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। बाकी आप लोग भी बताओगे कमेंट करके कि आपको कैसे लग रहे हैं प्राइस। बाकी मैं यही कहूँगा कि एक बार और ट्राई ज़रूर करो, और भी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें। वॉट नेक्स्ट माई लवली व्यूअर्स, अब हम चलते हैं केक्स की तरफ, ठीक है। केक्स पेस्ट्रीज, वाओ, ऑफ सो मैनी वैरायटी। सी वाओ वाओ वाओ, हमारे पास एवरी ओकेजन के लिए केक होते हैं। हमारे पास 15 टाइप्स ऑफ वैरायटी के केक्स हैं, 15 टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ के केक्स हैं। बर्थडे केक्स मिल जाएंगे, एनिवर्सरी केक्स है, अगर किसी का घर में रोका है, फंक्शन है कोई भी, गुरुजी का फंक्शन है, कुछ भी, एवरी ओकेजन के लिए हमारे पास केक मिल जाएंगे। केक्स पेस्ट्रीज मतलब, और एगलेस भी होता है? एगलेस भी है जी, टोटली एगलेस। अंडे वाली हमारे पास शॉप में कोई भी आइटम नहीं है। अच्छा, अंडे वाली बनती ही नहीं है आपके पास? हमारे पास भी अब बनती ही नहीं है अंडे वाली कोई भी आइटम। तो ये केक्स ले लो, कुकीज़ ले लो, नमकीन ले लो, कुछ भी चीज़ें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी और क्या क्या वैरायटी ऑफ कुकीज़ मिलती हैं, जो कि मुझे पता चला है SFB बेकरी पे मिलती है 56 कुकीज़। लेट्स गो। हाँ भैया, हमारे पास 56 टाइप्स ऑफ कुकीज़ की वैरायटी है, जैसे कि हमारे पास स्पेशल कुकीज़ है, बटर काजू, काजू पिस्ता, ड्राई फ्रूट, स्पेशल काजू एंड शाही बादाम, बिस्कोटी, बहुत सारी काफ़ी टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं हमारे पास। गाइस जब तक मीठे के साथ नमकीन ना हो आता है कुछ मज़ा? मुझे तो नहीं आता, तो भाई आपको कैसे आएगा जब मुझे नहीं आता? तो अब हम चलते हैं नमकीन सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हमें बहुत बहुत सारी नमकीन मिलेगी, जो कि हमें भैया बताने वाले हैं कि क्या क्या वैरायटी है और क्या क्या प्राइस है। हमारे पास नमकीन्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, 45-40 समथिंग इतनी वैरायटी है, एंड छोटे छोटे 250-300 हाफ के जी इस तरह के पैक्स मिल जाते हैं। और हमारे पास बेक में नमकीन होती है, मठियाँ होती है, डाइट मिक्सचर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोस्टेड चने होते हैं हमारे पास। क्या बोला भाई आपने, डाइट मिक्सचर? वाओ, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको कि डाइट का बहुत शौक है, तो यहाँ तो फिर भाई डाइट मिक्सचर सी। इसमें अलसी, तिल के दाने, सब कुछ, बहुत सारी आइटम मिक्स होती है, रोस्टेड चने होंगे, चिड़वा होगा, अलसी है। तो अच्छा है ना, मीठा खाओ, कुकीज़ खाओ, पेस्ट्रीज खाओ, साथ में डाइट नमकीन खाओ, बस अपनी हेल्थ बनाओ, हेल्थ कॉन्शियस रहो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाओ और यम यम लुको। वाओ 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 गाइस, आप लोग सोच रहे होगे, सो मैं ऐसे क्यों खड़ी हूँ, बता देती हूँ क्यों खड़ी हूँ, है ना। अब मैंने केक खा लिए, पेस्ट्रीज खा ली, ब्राउनीज खा ली, नमकीन खा ली, तो अब मेरे को ना थोड़ी और भूख लग रही है, यू नो भूख लग रही है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरा इवनिंग टाइम हो गया, तो अब मुझे खानी है छोटी स्वीट स्वीट सी, गोल गोल सी खताई। खताई सुनते ही मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी,
आप लोगों के मुंह में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो हम एस एफ बी बेकरी पे खताई भी देखते हैं। आपके फेवरेट कौन से हैं? मेरी तो बेसन खताई फेवरेट है, ठीक है, बट यहाँ बहुत वैरायटी ऑफ खताई हैं, सब की सब आप लोग देखो, आओ टेस्ट करो। और मैं भैया से पूछती हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पे। हमारे पास क्या खताई में 8 तरह की खताई होगी, जिसमें हमारे पास मैंगो है, पिस्ता है, बादाम है, मैंगो है, पिस्ता है, बादाम है, 2-in-1 है, बेसन खताई है, छोटी खताई है, और भी बहुत सारी वैरायटी है, ओस्मानिया है, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। थोड़ा कुछ दिखाओ आइटम भैया, मैंगो खताई दिखाओ आप मेरे व्यूअर्स को, वो सच्ची में देखना चाहेंगे कि गर्मियाँ आ रही है तो मैंगो खताई कैसी है। ये देखिए, ये मैंगो खताई है हमारी, ये मैंगो खताई है, थोड़ा सा पलट के दिखाओ, ये देखिए। तो ये क्या प्राइस रहेगा इसका भी? इसका 105 है भैया प्राइस, 105। हाँ जी, 300 ग्राम्स का बॉक्स है इसका, और बहुत ही मिनिमम सा प्राइस है इसका। और कौन सी चीज़ें यहाँ पे स्पेशल है? स्पेशल हमारी देखो ये बेसन खताई सबसे ज़्यादा बिकती है, इसको हम लड्डू खताई बोलते हैं। लड्डू की शेप में होती है, बीच में पिस्ता लगा होता है, और लड्डू की शेप में होती है, बेसन की होती है बेसिकली। सो सी गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया टेस्टी और यम्मी सी खताई भैया लेकर आए हैं हमारे सामने। मेरे मुंह में पानी आ गया अब तो। वाओ कृष, मुझे तो टेस्ट करनी है, तुम्हें टेस्ट करनी है? हां बिल्कुल करनी है भैया, हमें टेस्ट करवाओ अपनी खताई। नहीं भैया, आप निकाल के दो, हम खा लेंगे। ये देखिए, वाओ थैंक यू भैया। चलो जी, मेरे ये है मैंगो खताई, मैंगो फेवरेट गर्मियों के, विंटर्स के, कभी के टाइम के यहाँ पे, और ये ऑल टाइम इनके बिकने वाली मिठाई है। तुम बोलते हो, मैंने खा भी लिया, बहुत टेस्टी है यार। चलो मैं भी खाती हूँ और बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अमेजिंग, मेरे से तो बोला ही नहीं आ रहा, इतनी यम्मी टम्मी सी मिठाई है ये। थैंक यू भैया। ओके जी, नहीं सीरियसली, इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है भैया। ये काफी लाइट है, बिल्कुल भैया, मीठा भी बिल्कुल लाइट होता है। वैसे नॉर्मल देखोगे खताइयों में मीठा तेज होता है, पर हमारे यहाँ मीठा भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारे पास और भी बहुत सी आइटम है जिसमें मीठा बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे लोग होते हैं डायबिटीज ज़्यादा होता है। मैं एक्चुअली भैया से भी यही पूछने वाला था कि जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए सही रहेगा कि नहीं, लेकिन जैसे मैंने टेस्ट किया है तो जैसे मेरी मदर है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, बट वो ये खा सकती है, इतना ज़्यादा मीठा नहीं है और बहुत टेस्ट में लाजवाब है, इसको कोई भी खा सकता है। कृष, मैं अपनी मॉम के लिए यहाँ से ले जाती हूँ खताई, और वो तो पूरी की पूरी चट कर जाती है, इतनी बढ़िया थी, मतलब वो तो बाद में खाती है, पहले मैं ही ले जाते समय खा लेती हूँ। मुझको भी लेके जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी है यहाँ की बनाई, थैंक यू भैया, फुल थम्स अप। और कौन सी चीज़ दिखा रहा भैया? मरोड़ी मिल जाएगी भैया हमारे पास, लिटिल हार्ट फैन होते हैं, पफ होगी, फैन होंगे, स्पेशल ये मोदक शेप में कुकीज़ होते हैं, ये मुकरम कुकीज़ होंगे, जो फास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे, इसमें कुछ भी आटा मैदा कुछ यूज़ नहीं होता, ओनली कोकोनट एंड कंडेंस मिल्क से बने होते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो आप प्राइस देख सकते हो काफ़ी रीज़नेबल है। जैसे कि आप जानती होगी कि जो बेकरीज़ के जो बिस्किट्स होते हैं ना, वो कहने के लिए ही उनके रेट ठीक होते हैं, बट यहाँ पर आपको सीरियसली यहाँ पर रेट्स भी हैं वो बहुत ही रीज़नेबल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हों, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, चाहे आप कोई भी चीज़ लो, चाहे नमकीन लो या फिर आप क्या बोलते हैं इनको, खताई लो, हाँ, या केक्स लो, कुछ भी लो, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा। भैया ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? भैया ये राइस की आइटम होती है, प्योर राइस, 100% राइस होता है इसमें, और हल्का एक मसाला टेंगी फ्लेवर भी आता है, एक प्लेन आता है। अगर आप ये वाली हाँ, है, ये तो दी बेस्ट है, जो कि मतलब बहुत बिकने वाली है, एंड इसका मतलब टेस्ट नहीं, खट्टा मीठा होता है, वैसा वैसा टेस्ट होता है। खट्टा मीठा चाय के साथ, अरे फिर तो बस मज़ा ही आ गया, शाम की चाय तो फर्स्ट क्लास है भाई। एंड प्लस मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप नियर बाय रहते हैं, रानीबाग रहते हैं, मधुबन चौक की साइड रहते हैं, तो आप प्लीज़ आइए, विजिट कीजिए और यहाँ से लेके जाओ अपने लिए, गिफ्ट आइटम्स के लिए, क्योंकि आज तक हम ना उतना मिठाइयों पर उतना नहीं कर रहे हैं। ये पैक्ड हैं प्रॉपरली, कम्प्लीटली क्लीन वे में बनी हुई यहाँ की चीज़ें हैं, अगर आप नियर बाय हैं तो आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, अदरवाइज आप आइए, लेके जाइए, खाइए और सबको खिलाइए, क्या चाहिए हमें।
क्रिश, अगर तुम देना चाहते हो घर में किसी को गिफ्ट्स में, फ्रेंड्स में, मुझे, मतलब अपने मॉम डैड को? देता नहीं, मैं गिफ्ट लेता हूं। अच्छा, अगर गिफ्ट लेते भी हो ना तो अपने लिए गिफ्ट यहां से लेके जाना। इधर बहुत सारे बिस्किट्स हैं, मतलब ये लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम आ सकते हो, बहुत तरह की कुकीज मिलेंगी। देखो आटा बिस्किट तो मुझे सामने दिख रहे हैं, वेनिला बिस्किट्स हैं, और सब के सब एगलेस बिस्किट्स हैं, बटर काजू बिस्किट्स हैं, बहुत वेराइटीज के हैं। गाइस आइए, ग्रैब कीजिए अपने अपने बॉक्सेस और घर लेके जाइए। सो गाइस, अगर आप रानी बाग में हैं, पीतमपुरा में हैं, नियर बाय रोहिणी तक भी हैं, तो यहाँ आइए SFB कुकीज़ केक्स के लिए लेके जाइए। एड्रेस मैंने बता दिया है, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ विजिट एंड डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ऑब्वियसली दैट्स फॉर क्रिश। मैं क्रिश के लिए कर रही हूँ और ये मेरा पहला ब्लॉग है, सो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप गाइस, आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। थैंक यू क्रिश।